भाजपा मंडल पार्टी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर चित्र पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। पार्टी भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर बुधवार को भाजपा मंडल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष श्रीकांत त्रिपाठी ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि व समाज सेवी पांड्या सोलंकी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मंडल अध्यक्ष ने मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए उनका बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। साथ ही मंडल अध्यक्ष ने बताया कि बलिदान दिवस प्रत्येक बूथ स्तर पर भी मनाया गया। कार्यक्रम के पश्चात कार्यकर्ताओं ने हाई स्कूल बुद्धि में पहुंचकर 11 पौधे रोपे गए, साथ ही उनको बढ़ाकर देखरेख करने का संकल्प भी लिया गया। इस दौरान पांड्या सोलंकी, संतोष पाटीदार जिला कार्यकारिणी सदस्य, सब्बीर मिर्जा, दीपक मालविया महामंत्री, युवा कार्यकर्ता शेलू परमार, श्रावण चौहान, अरविंद राठौड़, कमलेश राठौड़, अविनाश राठौड़, रवि वर्मा सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सबसे पहले लड़ाई लड़ी थी और उसी का परिणाम है हटाई गई। एक निशान दो निशान नहीं चलेंगे, यही उनका नारा था और आज वो हमारे मुख्यमंत्री द्वारा सफल हुआ।